हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो अध्याय 12.2 होगा, जो कि है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका भाग नंबर 2 है। इससे पहले मैंने भाग नंबर 1 पढ़ाया है, जिसमें 2 सवाल हम सब डिस्कशन कर चुके थे, पहला और दूसरा। तो आइए आज तीसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कॉमन सेंस वाला है, इसलिए ध्यान पूर्वक आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, मैं थोड़ा फिगर बना के समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा घड़ी कैसे बनता है, तो ये हो गया, मान लेते हैं घड़ी, ठीक है, जिसमें से आप लिख भी लें। चलिए लिखना चाहते हैं, तो ये हो गया 12, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9, बीच में हो गया आपका 10 और 11, ठीक है। तो ये हो गया वॉच। अब देखिए, इस पे केंद्र होता है, और हम सब आज एक ही सुई पे डिस्कशन करेंगे, जो कि है मिनट की सुई, ठीक है, क्योंकि ज्यादा 2-3 बनाने से कोई फायदा है नहीं, हम सबको बस एक क्वेश्चन के अनुसार समझना है। तो सुई की लंबाई जो है वो बोल रहा है 14 सेंटीमीटर, तो ये हो गया सुई की लंबाई, मान लेते हैं ये है सुई की लंबाई जो कि है 14 सेंटीमीटर। तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि ये आधा है, वृत्त का आधा है। मैंने बताया था कि एक वृत्त बना लें, उस पर केंद्र दे दें, तो वैसी रेखा जो केंद्र को छू कर जाए उसे क्या कहते हैं, उसे व्यास कहा जाता है। लेकिन इसका अगर आधा करेंगे तो वो त्रिज्या होता है। तो यानी ये देखिए, सुई जो है वो क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ये सुई क्या हो गया, सुई की लंबाई त्रिज्या। तो यहाँ पे दी गई थी कि मिनट की सुई की लंबाई कितना दी गई है, तो लंबाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। यही हो गया त्रिज्खंड का क्षेत्रफल। क्या हो गया, त्रिज्खंड का क्षेत्रफल 14 त्रिज्खंड का क्षेत्रफल बोलते हैं, त्रिज्खंड का त्रिज्या, ठीक है, कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई हो गई 14 सेंटीमीटर, जो कि मिनट की सुई है, और वही क्या हो गया उसका त्रिज्या, ठीक है, ये हो गया त्रिज्या। अब देखिए आपसे क्या बोलता है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, हम सबको पूरे वॉच का नहीं निकालना है क्षेत्रफल, हम सबको बस 5 मिनट में जो सुई चली है उसी का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ 3 नंबर को, और इस सीध में मिला लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो ये हो गया सुई, मिनट की सुई है, ठीक है। अब त्रिज्खंड की त्रिज्या हम सबको पता चल गया कितना, 14 सेंटीमीटर, जिसको इंग्लिश में आर आप सब बोल देंगे, रेडियस, ठीक है। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी 5 ही मिनट में हम सबको पूरी लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे इस मिनट की सुई का माप क्या होता है, ठीक है। तो मिनट की सुई का माप, तो आप सबको पता होगा मिनट की सुई का माप कितना होता है, 60, यानी एक घंटे बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। तो एक घंटा बराबर कितना हो गया, 60 मिनट, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होता है, 60। तो मिनट की सुई का माप 60 हो गया। अभी हम सब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल में लास्ट में आएंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि मिनट की सुई द्वारा घड़ी के केंद्र से 360 डिग्री का कौन बनाता है। देखिए कैसे कौन बनाएगा 360 डिग्री का, ये जब मिनट की सुई यहां से स्टार्ट होगी तो ये तो घूमते रहेगी, ये घूमते घूमते 4 पे आएगी, 5 पे आएगी, 6 पे आएगी, 7 पे आएगी, 8 पे आएगी, 9 पे आएगी, 10 पे आएगी, 11 पे आएगी, 12 पे, 1 पे, 2 पे, और फिर वापस से 3 पे, यानी ये घूमते रहेगी। यानी जब ये पूरा एक बार घूमती है तो कितना डिग्री का कोण बनाती है, 360, जिसमें मैंने बताया था पहले क्लास में कि वृत्त के चारों कोण, यानी 4 तो इसमें कोण है नहीं, मतलब वृत्त का पूरा जो भी होता है उसका कितना टोटल वैल्यू होता है, 360 डिग्री। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है,
180 डिग्री होता है, उसी तरह वृत्त के सब कोण का योग मिला के कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप ही सोच के देखिए कि यहाँ से मिनट की सुई चली और घूमते घूमते जब एक बार पूरा घूम लेगी तो कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 360। सुई की घड़ी, मिनट की सुई का माप कितना है, 60, क्योंकि एक घंटे के बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। लेकिन हम सबको यहाँ पे निकालना है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो हम सब देखेंगे कि 5 मिनट में कितना डिग्री वो घूम लेती है, ठीक है। तो 5 मिनट में, 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, तो टोटल जो है, टोटल कोण यानी पूरा एक बार घूमती है तो वो बनाती है 360, ठीक है। कितना बनाती है, 360, और उसका वैल्यू कितना है, 60 मिनट। हम सबको कितना मिनट का निकालना है, 5 मिनट का, यानी कितना से गुना करेंगे, 5। अब ये 0 और 0 कट गया, 6 से 36, 6 बार में कट गया, 6 पंचे 30 डिग्री, यानी 5 मिनट में, 5 मिनट में यानी ये मिनट की सुई जैसे ही बढ़ेगी यहां तक, तो ये जो कोण बनेगा ये कितना डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का, फिर आगे बढ़ेगी तो 60 डिग्री का, फिर आगे बढ़ेगी तो 90 डिग्री का, ऐसे करते करते जब पूरा यहां तक बढ़ जाएगी तो कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 360। समझ में आ रहा होगा, तो हम सबको थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पता चल गया। मैं फिर से समझाता हूँ, एक घड़ी है जिसमें मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेकर के यहां तक मैंने क्या बताया था, यहां से लेकर के यहां तक मतलब आधा है, केंद्र से आधा है, यानी वो त्रिज्या है। तो मिनट की सुई क्या होगी, 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्याखंड की त्रिज्या कितना हो गई, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। मिनट की सुई का माप कितना होता है, यानी एक घंटे बराबर कितना मिनट, तो 60 मिनट। मिनट की सुई द्वारा घड़ी के केंद्र से कितना डिग्री का कोण बनता है, 360, यानी एक बार पूरा मिनट का सुई एक बार राउंड मारेगी तो वृत्त का सब कोण मिला के कितना होता है, 360, तो 360 डिग्री का कोण बनाती है 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, तो 360 बटे 60 गुना 5 कट गया तो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया 5 मिनट का। हम सबको निकालना अभी कितने का है, 5 मिनट का। चलिए 5 मिनट का हम सब निकालते हैं, तो हम सब लिख सकते हैं 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो रचित क्षेत्रफल कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिज्याखंड का, क्योंकि त्रिज्याखंड के बारे में बात कर रहा है, तो त्रिज्याखंड का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। देख लेते हैं आपके बुक में पाई का वैल्यू, चलिए पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला है, यानी 22 बटे 7 ही लेना है। थीटा, थीटा कितना 5 मिनट का हम सब निकाल रहे हैं, 30 डिग्री, ये नहीं लिख दीजिएगा 360। 5 मिनट में सुई द्वारा कितना डिग्री का कोण बनाया गया है, 30 डिग्री, तो इस थीटा के जगह पे हो गया 30 बटे हो गया 360, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22 बटे 7, आर का वैल्यू हो जाएगा 14, यहां देख पा रहे हैं 14 पे कितना पावर हो जाएगा, 2 पावर। चलिए और इसे भी सॉल्व करते हैं, 30 बटे 360 गुना 22 बटे 7, 14 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार, 7 से 2 कट गया, 2 7 से 14 कट गया 2 बार में, ये दोनों कट गया, 3 से ये कितने बार में कट गया, 12, 12 किया कितना होता है, 36। अब 2 से इसे कटाएंगे तो 2 छक 12, अब 2 के पढ़ा में 2 भी आता है 14 भी आता है, तो 2 तिया 6 और 2 सते 14, ऊपर अब कुछ कटने वाला है नहीं, तो 7 तिया 21 का एक हाथ में बचा 2, 7 तिया 7 दूनी 14, 15 16, 161 बटे 3। अब इसे अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो वो भी तोड़ दें, तो 3 पचे हो जाएगा 15, 3 तिया हो जाएगा 9, यानी हो गया 53 पूर्णांक 2 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 53 पूर्णांक 2 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कुछ गलती कैलकुलेशन तो नहीं हुआ, 7 दूनी, एक मिनट, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, देखिए 7 गुना 2 करेंगे तो 14, एक बचा, 7 गुना 2 करेंगे 14 और 14 एक 15, ठीक है। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर दे दें, यही हो गया आपका आंसर। मैं फिर से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रीफली समझा देता हूँ। मिनट की सुई, देखिए एक घड़ी थी, क्या है घड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, तो ये भैया मिनट की सुई होगी जो कि कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो यही तो त्रिज्याखंड की त्रिज्या होगी, क्योंकि वैसी रेखा जो केंद्र को छू कर जाए उसे व्यास कहते हैं और व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ठीक है। तो ये त्रिज्या हो गया, त्रिज्याखंड की त्रिज्या 14,
मिनट की सुई का माप कितना होता है 60। जैसा कि आप सब जानते हैं एक घंटा बराबर 60 मिनट। मिनट की सुई द्वारा घड़ी के केंद्र से 360 डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री का 360 डिग्री का। तो 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण 360 बटे 60 गुना 5, 360 कुल हो गया, 60 वैल्यू हो गया और 5 मिनट में बना रहा है यानी गुना 5 कटाएंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। यानी यहां से लेकर के अगर ये सुई 5 मिनट चली है तो इसका जो वैल्यू होगा वो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा 30 डिग्री होगा, जो कि हम सबको इतना का ही क्षेत्रफल निकालना है, पूरा घड़ी का तो निकालना है नहीं, सिर्फ 5 मिनट में कितना चला है उतना का क्षेत्रफल हम सबको निकालना है, इतने का जहां पे मैंने कलर किया है उतना का ही। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, जो कि आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो 30 बटे 360 गुना 22 बटे 7, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप इसे नोट डाउन कीजिए, मैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपसे मिलता हूं। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलता है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है, ठीक है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या होता है संगत लघु और दीर्घ, मैं अभी थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए केंद्र से एक त्रिज्यखंड कटा, ठीक है, ये त्रिज्यखंड कटा तो ये तो भैया त्रिज्यखंड हो गया, मैं जो त्रिभुज बना है या जिसे मैं मार्क कर रहा हूं वो त्रिज्यखंड हो गया। ये छोटा एरिया जो नीचे बच गया इसी को बोलते हैं लघु वृत्तखंड, ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है दीर्घ वृत्तखंड। समझ में आ गया, तो आपको इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल सा बात है, इसमें बहुत आसान सवाल है, आप आराम से समझ सकते हैं अगर फॉर्मूला याद रहा तो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना हो गया यानी r बराबर 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या वाले केंद्र पर एक समकोण, देखिए यहाँ पे समकोण आंतरिक कोण, समकोण किसको बोलते हैं तो वैसा कोण जिसका एक का वैल्यू कितना डिग्री हो 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं जिसमें एक का वैल्यू 90 होता है, बाकी दोनों मिला के 90 होता है, ठीक है। तो समकोण का वैल्यू हो गया थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इसमें से सबसे पहले हम सब निकालते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये सूत्र है इसे याद कर लेंगे, आर स्क्वायर बराबर थीटा इंटू पाई इंटू थीटा बटे 360 माइनस हाफ इंटू साइन थीटा, ठीक है, इसे आप याद कर लेंगे। अब आर का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 पे स्क्वायर दे दें। अब ये पाई का वैल्यू कितना लेना है, तो पहले सवाल में आपका दे दिया है 3.14। थीटा का वैल्यू पता है, अभी थीटा का वैल्यू 90 कहां से आया, क्योंकि यहां क्या बोल रहा है समकोण बोल रहा है, तो 90 हो गया बटे क्या हो जाएगा 360 माइनस हाफ गुना साइन, फिर थीटा का वैल्यू कितना लिखना है हमेशा 90। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 10 गुना 10 करेंगे क्या हो जाएगा 100। यहां पे देखिए जीरो और जीरो कट गया, 9 में 36 कितने बार में मिलता है 4 बार में, बच क्या गया 3.14 और बटे 4। यहां पे अगर आप सोचें तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, आप इसे बगल में लिख लें तो अगर ऐसा आप लिख लेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा, साइन 90 डिग्री बराबर 1, ठीक है, तो साइन 90 डिग्री बराबर 1। आखिर बताएंगे ना ये साइन 90 का वैल्यू 1 कहां से आया, तो भैया यहां से आया। अब देखिए यहां पे 100 और यहां पे हो गया 3.14 बटे 4 माइनस 1 गुना 1 करेंगे 1 होगा 1 बटे 2। अभी 100 रहने देते हैं और सबसे पहले ले लेते हैं एलसीएम, क्या हो जाएगा 2 और 4 का लघुत्तम 4, ठीक है, 4 और 4 मिल गया, ऊपर वाला उतार दें 3.14 माइनस 2 में 4 कितना बार में मिलेगा, तो 2 में 4 दो बार में मिलेगा और 2 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 2। चलिए यहां पे अटने की संभावना कम लग रही है, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, तो ये 100 तो लिखेंगे ही, और ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और 3 में 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1.14 और बटे हो जाएगा 4, 4 से ये कटाएंगे तो हो जाएगा 25, ठीक है, और 25 गुना 1.14 करेंगे तो हो जाएगा 25 चौक 100, हाथ में बचा 10, 25 एकम 25 और 10 35 का 5, हाथ में बचा 3, 25 एकम 25 3 28, ठीक है, तो 28.50 मैं अच्छे से लिख देता हूं, यानी 28.50 सेंटीमीटर
स्क्वायर, ये क्या निकल गया आपका संगत लघु वृत्त खंड, कुछ भी नहीं था, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 गुना 1/2 साइन थीटा। ठीक है, इस पे आप पूरा बैठा देंगे, थीटा का वैल्यू 90 कहां से आया, यहाँ समकोण बोल रहा है, आर बराबर 10 लेना है क्योंकि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या बोल रहा है। ठीक है, अब 10 गुना 10 करेंगे 100, यहाँ पे पाई का वैल्यू जो बोलेगा आपको 3.14, तो आप वही लेंगे। ठीक है, 1/2 हो गया, इंटू 1 हो गया, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, 1 लिख दिए और ये 10 कुछ नहीं है, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो होगा 28.50। सबसे पहले ये हो गया संगत लघु वृत्तखंड। अब जो है हम सबको क्या निकालना है, संगत द्विक त्रिज्याखंड। तो सबसे पहले मैं इसे रब करता हूं, उसके बाद आपसे मिलता हूं, ये रब कर ही लेता हूं आपके सामने। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, इसका वैल्यू याद रखेंगे 28.50, मैं इसे नहीं मिटाता हूं। अब द्विक वृत्तखंड निकालना बहुत आसान है, तो दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर बोल रहा है संगत द्विक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो सिंपल है, क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यह आप सबको पता होगा। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना निकाल चुके थे हम सब पहले से, 28.50। अब पाई का वैल्यू 3.14 गुना आर का वैल्यू 10, तो 10 गुना 10 दो बार कर दें क्योंकि दो पावर है, माइनस 28.5 गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, 1, 4, 1, 2, दो जीरो दे देंगे, एक दो अंक के बाद दशमलव देंगे, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू है नहीं। तो अब कितना घटाना है, तो घटाना है 314 में 28.50। ठीक है, तो यहाँ दशमलव दे के जीरो दे दें, अब इसे माइनस करते हैं। सबसे पहले जीरो, 10 में 5 गया 5, 13 में 8 गया 5, 10 में 2 गया 8 और 2, यानी हो गया 285.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया, संगत द्विज्याखंड का क्षेत्रफल। तो ये हो गया आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉमेंट कर दें, मैं फिर से बता दूंगा। संगत द्विक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये वृत्त का क्षेत्रफल ही क्यों लिखे, क्योंकि ये वृत्त था और मैंने क्या बताया, ये हो गया त्रिज्याखंड, ठीक है, और ये हो गया लघु और ये हो गया द्विक। तो इस पूरे वृत्त खंड के क्षेत्रफल में इतना अगर घटा दें, चलिए इसको मार्क नहीं करते, जितना मार्क किए हैं इतना घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, तो टोटल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में इतना का वैल्यू जो आपका 28.50 निकला था उसको माइनस कर दिए तो हो गया 285.50। ठीक है, तो चलिए ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन था, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।